इंटरेस्ट एक्रूड। आइए अब हम लोग किसी पार्टी को सेल किए हैं और वह पार्टी समय से पेमेंट नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट दे है, तो वह इंटरेस्ट जो देगा उस इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं और उस इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करते हैं, आइए वह आप सीखते हैं। टैली 74 28/8/2012, मिस्टर राय रिसीव्ड चेक फ्रॉम जावा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टुवार्ड्स द बिल डेटेड 12/6/2012 एंड आल्सो द इंटरेस्ट ऑफ 32 डेज। मिस्टर रॉय जावा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से अपना पेमेंट रिसीव करते हैं, जो उन्होंने माल सेल किया था उसके अगेंस्ट में चेक रिसीव करते हैं, और वह सेल उन्होंने किया था 12/6/2012 को, और 32 दिन का इंटरेस्ट होता है वह भी रिसीव करते हैं। तो इस इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए जो हमें इंटरेस्ट आएगा वह हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, लेकिन वह डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है। वह डायरेक्ट इनकम नहीं है, इंटरेस्ट जो होता है वह एक इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड अंडर इनडायरेक्ट इनकम। आइए इसके लिए हम लोग यहां से स्केप बटन दाबकर बाहर निकलते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, और अकाउंट्स इन्फो में हम लोग इंटरटन क्लिक करते हैं, लेजर्स में आते हैं और सिंगल लेजर में क्रिएट क्लिक किए और लेजर का नाम देते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ACRUED अक्रूड। इंटर बटन क्लिक किए, इंटर बटन क्लिक किए और यह इंटरेस्ट है अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स में क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड तो नो, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, इंटर बटन क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट यस। इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरेस्ट अक्रूड नाम से एक इनडायरेक्ट इनकम्स में लेजर क्रिएट कर लिया। अब आइए इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं, व्यू द इंटरेस्ट अक्रूड। इसके लिए स्केप बटन दबाते हैं और बाहर निकलते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। इंटरेस्ट देखने के लिए हम लोग डाउन एरो से रिपोर्ट्स के डिस्प्ले में आते हैं, गेटवे ऑफ टैली के रिपोर्ट्स के डिस्प्ले में आ गए, इंटर बटन क्लिक करते हैं और अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, क्लिक करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर, और अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में आ गए, इंटर बटन क्लिक करते हैं, इंटर बटन क्लिक किए, अब लेजर्स में आते हैं, अब लेजर में आ गए, इंटर बटन क्लिक करते हैं और यहाँ जावा ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। यह है हमारा जावा ट्रेडिंग कंपनी, इसे हम लोगों ने सेल किया है 12 जुलाई 12/6/2012 को, 12 जून 2012 को, उसी का हम लोग इंटरेस्ट देखना है हमें। तो अल्ट प्लस F1 से डिटेल होता है, देखिए अल्ट और F1 से डिटेल है, और इंटरेस्ट हम लोग कब तक का देखेंगे, 28/8/2012 का, यानी कि 28/8/2012 को जो पेमेंट कर रहे हैं तभी तक का देखना है। तो चलिए पीरियड चेंज करने के लिए अल्ट प्लस F2 क्लिक करते हैं और 1/4/2012 से लास्ट पीरियड कब हो जाएगा, जिस तारीख को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वह तारीख, तो 28/8/2012 क्लिक किए, तो देखिए हमारा आ गया इंटरेस्ट निकल गया है 32 दिन का। हम लोगों ने 12 जून 2012 को सेल किया था, 12 जून 2012 को सेल किया था और डेबिट इसका इसका इंटरेस्ट होगा 27 जुलाई 2012 से लेकर के 28 अगस्त 2012 तक का, 32 दिन का, एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से हो जा रहा है 6,299.84 रुपया। तो इतना वह इंटरेस्ट हमें देगा। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट देखा कैसे निकाले, जो अल्ट प्लस F2 दाब करके पीरियड हम लोगों ने चेंज कर लिया और वहां तक का इंटरेस्ट हमें निकल गया। इस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट व्यू कर सकते हैं। अब इस इंटरेस्ट को 6,299.84 रुपया को हम लोग एक कॉपी में नोट कर लेते हैं और यहां से बाहर निकलते हैं स्केप दाब कर और आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में।